2002 का उपचुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, राजनीति के सबसे बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो चुनाव लड़ा उसको जीता, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबक दे गया। सिंधिया के करीबी केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सिंधिया को करारी शिकस्त दे दी। इसके बाद सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और एमपी कोटे से राज्यसभा सांसद बने। 2024 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा और जीते और यहीं से सिंधिया के नए युग की शुरुआत हो गई। श्रीमंत और महाराज वाली छवि से निकलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया आम आदमी की तरह बर्ताव करने लगे। अब इसके पीछे की असली वजह भी जान लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए। यह तीन तस्वीरें सिंधिया के महाराज वाली छवि से पलट आम आदमी वाली छवि को दिखाती हैं। गुना शिवपुरी अशोकनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सिंधिया ने पहली बार अपने लोकसभा की जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है। सिंधिया के इन जनसंपर्क दफ्तरों से कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पा सकेगा। ये किसी केंद्र मंत्री का कार्यालय नहीं है, ये किसी सांसद का कार्यालय नहीं है, ये गुना जिले का जन जन का घर है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गंगा दीदी के कैंटीन में पहुंचकर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सिंधिया ने कैंटीन चलाने वाली गंगा बाई की तारीफ की थी और यह वायदा किया था कि वह उनके कैंटीन में खाना जरूर खाएंगे। सिंधिया यहां पर आम आदमी की तरह दाल चावल खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दो अलग अलग तस्वीरों को भी देख लीजिए, जिसमें रक्षाबंधन के उत्सव में लोकसभा की बहनों से रिश्ते का नया संबंध बनाते हुए सिंधिया दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं हर घर तिरंगा कैंपेन में आम लोगों के साथ सड़क पर तिरंगा लिए हुए चलते दिख रहे हैं। सिंधिया ने सावन के महीने में कावड़ यात्रा में शामिल होकर बम बम भोले के जयकारे भी लगाए। सिंधिया न सिर्फ आम लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपनी आम छवि को विकसित करने के साथ लोकसभा क्षेत्र के विकास पर भी फोकस कर रहे हैं। सिंधिया लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से भी मिल रहे हैं और योजनाओं को मंजूरी भी दिला रहे हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस के अंदर रहते हुए सिंधिया श्रीमंत और महाराज जैसी उपाधियों से संबोधित होते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सिंधिया बदले बदले नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि सिंधिया बीजेपी के कद्दावर नेताओं के बीच एक स्थापित नेता की जगह बनाने की कोशिश में हैं। साथ ही अपने लोकसभा क्षेत्र में गुना ग्वालियर में अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि ग्वालियर चंबल का इलाका जो सिंधिया का गढ़ कहा जाता था वो आने वाले कई दशकों तक अभेद्य बना रहे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।